Hey cuties, welcome back to my channel. Let's continue 23.5 Jail Series Episode 10 Spoiler. तो सन ओंगसा से कहती है कि उसकी पेरेंट्स उसे डिनर पे बुलाई है. ओंगसा सन के घर से आने के बाद सन से 2 वीक्स तक डिस्टेंस मेंटेन करती है. वो उसके साथ ना तो चैट करती है और ना ही उसके सामने आती है. ओंगसा इस बात को लेकर स्केयर्ड थी कि शायद उसकी फैमिली उन दोनों की इस लव रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करेगी. वो अगर अपनी मॉम डैड को बता देगी कि वो सन को डेट कर रही है तो उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करनी होगी. इसलिए अपनी मॉम डैड से उन दोनों की रिलेशनशिप को उसे सीक्रेट रखनी होगी. बट उसने नोटिस किया है सन के साथ ना मिलने की वजह से सन बहुत अपसेट है. बट वो अभी क्या कर सकती है. वो डर रही थी कहीं उसकी मॉम इस चीज़ को ढूंढ ना ले. वो डर रही थी कहीं सन अपसेट ना हो जाए. वो डर रही थी कहीं वो उन दोनों की रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाएगी. ऑल्सो वो डर रही थी कहीं सन के साथ उसकी ब्रेकअप ना हो जाए. और इन दिनों में सन को भी रियलाइज़ होती है कि ओंगसा थोड़ी अजीब बिहेव कर रही है. वो श्योर है कि नाव ओंगसा के मन में कुछ तो चल रही है. वो उसे डायरेक्टली बात करना चाहती थी बट ओंगसा ऑलवेज डिनर करती थी. सन जब भी उसे इनवाइट करती थी ओंगसा तभी कहती है कि उसके पास टाइम नहीं है. सन को रियलाइज़ हो जाती है कि वो उसके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहती है. सन इस सब को लेकर ओवर थिंकिंग करने लगती है. तभी तिन उसे सजेस्ट करता है कि डायरेक्ट ओंगसा से जाके बात करे. कस ओंगसा एक इंट्रोवर्ट पर्सन है. अगर वो खुद जाके उसे फोर्स नहीं करेगी तो वो नहीं बताएगी. तभी ओंगसा वहाँ पर आ रही थी. सन सबको कहती है गाइस अब तुम जा सकते हो. वो लोग चली जाती है. ओंगसा उसके सामने आते ही सन कहती है हे ओंगसा तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो. ओंगसा कहती है आई टोल्ड यू ना कि मैं होमवर्क पर बिजी थी. सन कहती है हाँ तिन भी तो होमवर्क पे बहुत बिजी था बट वो फिर भी स्टूडेंट काउंसलर पे जाता है. क्या ओंगसा इतने बिजी है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड की कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है. स्टिल तुम मुझे लव करते हो ना ओंगसा. ओंगसा कहती है लेट्स फिनिश सन. ये सुनकर सन एकदम शॉक्ड में थी. वो तो उसके साथ बात करना चाहती थी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और सडनली ओंगसा ऐसे बोल रही है. बट क्यों तुम सडनली मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो. आई एम सॉरी सन. ओंगसा आंसर देती है. सन कहती है तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो. तुम्हारी सॉरी कहने से क्या सब कुछ सॉल्व हो जाएगी. और सडनली तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो. क्या तुम उसे चीट करने वाले हो. ओंगसा कहती है नहीं. तो ब्रेकअप की क्या मतलब है. सन की आंखों से आंसू आ जाते हैं. सन को ऐसे देखकर ओंगसा अपनी सारी एनर्जी खो देती है. बट फिर भी वो खुद को फोर्स करती है उन दोनों की इस रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए. हमारी इस रिलेशनशिप के क्या मतलब है सन. कोई हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी. क्या तुमने नोटिस नहीं कि बाकी लोग हमें कैसे देखते हैं. वी आर लाइक मॉन्स्टर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड. हम लोग सोसाइटी से अलग है सन लाइक अबनॉर्मल. तो मुझे लगता है इस चीज़ को ख़त्म कर देना ही सही है. सन को समझ नहीं आती है क्या कि ओंगसा को हुआ क्या है. सन कहती है ओके अगर तुम नहीं चाहते हो कि लोग हमें ऐसे देखें तो हम प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों के बीच सब कुछ ख़त्म हो गया है और हम दोनों इस चीज़ को सीक्रेट रखेंगे. सन इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी. कॉज वो उन दोनों की लव को ऐसे एंड नहीं कर सकती. ओंगसा हमारी लव हमारे दिल से कनेक्ट है तो हम बाकी लोगों के लिए हमारी लव को डिस्ट्रॉय क्यों करेंगे. ओंगसा कहती है नहीं हमें डिस्ट्रॉय करनी ही होगी. हमारी लव इट्स इम्पॉसिबल और वैसे भी हमारी फैमिली इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी. मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ. बाकी लोग जाने उससे पहले ही मैं आज ही ब्रेकअप करना चाहती हूँ. ओंगसा की ये कुछ बातें सन की एकदम दिल पर लगती है. तो मेरे साथ डेट करना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ओंगसा.
तुमने ये नहीं सोचा कि फर्स्ट उन्हें बताते हैं और हमारी लव के लिए फाइट करते हैं। तुम कितने लूज़र हो। जिस लोग हमें अजीब तरीके से देख रही है, इसीलिए तुम उससे ब्रेकअप करना चाहते हो। ही वॉज सो वीक ओंगसा, ही वॉज सच अ लूज़र। क्या हम इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते? क्या हम हमारी लव को लेकर फाइट नहीं कर सकते? तुम गिव अप क्यों कर रहे हो और बिना फाइट करे बस इजीली गिव अप कर रहे हो, क्यों? सन अपने दिल पे बहुत पेन महसूस करती है। वो बस रो रही थी, पर इसकी कोई इफेक्ट ओंगसा के ऊपर नहीं पड़ती है। वो चुपचाप एकदम साइलेंटली खड़ी थी। ओके ओंगसा, आई अंडरस्टैंड यू, आई एम सॉरी मैं तुम्हें फोर्स कर रही हूँ, एंड ऑल्सो आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम्हें परेशान कर रही थी। एंड इस फोर मंथ की रिलेशनशिप में मैंने बस यही जाना दैट ओंगसा इज़ क्रूएल, वेरी क्रूएल। सन वहाँ से चले जाने के बाद ओंगसा एकदम ग्राउंड पर गिर जाती है। ओंगसा रोते हुए कहती है, मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ कॉज तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो। मैं नहीं चाहती हमारे लव के लिए तुम ट्रैवल करो और फ्यूचर में भी तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। ओंगसा सन के हर एक क्वेश्चन के आंसर देती है, बट उस टाइम जब वो सुनने के लिए वहाँ थी ही नहीं। सडनली उसकी टू बेस्ट फ्रेंड दूर से उसे लाउडली बुलाती है। टिन आकर कहता है, ओंगसा व्हाट इज दिस। ओंगसा आंसर देती है कि उसने सन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। वो उसे ब्रेकअप करना नहीं चाहती थी, पर वो उसे डेट भी नहीं कर सकती, शी कांट। टिन उसे कंफर्ट हग देता है। काम डाउन ओंगसा, तुम रो मत, टिन कहता है। ओंगसा बहुत ज़्यादा रो पड़ती है। वो रोते हुए कहती है, आई लव सन, पर मैं उसे ये बता भी नहीं पाई। वाई आई वॉज बॉर्न अ गर्ल, वाई वाई वाई। ये कहते ही वो बहुत रो पड़ती है। चारोन उसे हक करती है। चारोन कहती है, ओंगसा तुम इतनी रो क्यों रहे हो? ब्रेकअप के बाद स्टिल तुम उसकी फ्रेंड बन सकते हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों एक दूसरे की लाइफ से गायब हो रहे हो। स्टिल तुम उसे लव कर सकते हो एज अ फ्रेंड, एटलीस्ट वो तुम्हारे साथ ही रहेगी। ओंगसा रोते हुए कहती है, नहीं अब पहले की तरह कुछ भी नहीं होगी, सन मुझे हेट करती है। चारोन जल्दी से पूछती है, क्या तुमने उसे बताया कि तुम उसके साथ ब्रेकअप क्यों करना चाहते हो? ओंगसा कोई आंसर नहीं देती है। उसकी साइलेंट ही चारोन के क्वेश्चन की आंसर थी। अगले सीन में अगेन क्लासरूम दिखा जाती है। सन बस बैठे बैठे ओंगसा की वही बात को अपने मन में रिपीट करती है कि चलो हम ब्रेकअप कर लेते हैं। वो इस चीज़ को भूलने की कोशिश करती है, बट बार बार पेन अगेन उसके दिल पर आ जाती है। हे आर यू ओके सन, टिन आता है और उसके पास बैठता है। टिन डायरेक्टली कहता है, फिर सन तुम भी एक लड़की हो और ओंगसा भी एक लड़की है, और तुम दोनों की लव बहुत डिफरेंट है। शायद ओंगसा इस प्रेशर को संभाल नहीं पाई, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रही है। सन भी कहते हैं, सो व्हाट, हम दोनों गर्ल्स से तो क्या हुआ। सन ऐसे बात कर रही थी मानो वो वर्ल्ड को ही दोष दे रही है। लव इज़ लव, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती है। बट सन, तुम दोनों की लव को सोसाइटी इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। समटाइम्स लव इनफ नहीं है फाइट करने के लिए। उसके बाद कुछ वीक्स बीत जाती है। ओंगसा को जिस बात की डर थी वही होती है। उन्हें रियलाइज़ हो जाती है कि उनकी बेटी एक लड़की के साथ डेट कर रही थी, एंड नाउ उससे वो ब्रेकअप भी कर ली। सडनली सन के साथ इतनी ज़्यादा डिस्टेंस, शायद यही रीज़न थी। और उधर ओंगसा को भी रियलाइज़ हो जाती है कि सन के बिना उसकी लाइफ अनकम्प्लीट है। सन उसकी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, इवन वो तो उसे ब्रेकअप भी नहीं करना चाहती थी। ऑल शायद क्यों डेज, तो फाइनली क्या होती है हम सीरीज़ में देखेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।